दीपिका के सिर पर इनाम रखने वाले बीजेपी नेता का इस्तीफा। सूरजपाल अम्मू ने हरियाणा बीजेपी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर पद से इस्तीफा दे दिया है। सूरजपाल ने कहा था कि क्षत्रिय समाज और देश का नौजवान एक एक स्क्रीन को आग लगाने की ताकत रखता है। पद्मावती फिल्म की रिलीज को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हरियाणा बीजेपी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सूरजपाल अम्मू ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली का सिर काटने पर 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को इस्तीफा भेजा। पार्टी ने उनसे जवाब मांगा था। चर्चा यह भी है कि सूरजपाल अम्मू और करणी सेना को वक्त देने के बाद भी सीएम मनोहर लाल खट्टर उनसे नहीं मिले, जिसकी वजह से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। सीएम नहीं मिले ये राजपूत बिरादरी का अपमान है। मंगलवार को दिल्ली में राजपूत करनी सेना और मनोहर लाल खट्टर के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन यह नहीं हो पाए। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य 22 रिप्रेजेंटेटिव तय वक्त पर पहुंच गए, लेकिन सीएम पिछले दरवाजे से निकल गए। इस पर अम्मू ने कहा कि सीएम ने राजपूत बिरादरी का अपमान किया है और राजपूत बिरादरी इसको सहन नहीं करेगी। उन्होंने वर्णन दी कि आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने संघ से मामले में दखल देने को कहा। इससे पहले ममता बनर्जी पर दिया था विवादित बयान। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल पद्मावती और उसके कलाकारों का स्वागत करने के लिए तैयार है, हम इसके लिए खास इंतजाम करेंगे, बंगाल ऐसा करके बहुत खुश होगा। इस पर पलटवार करते हुए अम्मू ने कहा था, राक्षसी प्रवृत्ति की जो महिलाएं होती हैं, जैसे शूर्पणखा थी, उसका इलाज लक्ष्मण ने नाक कटकर किया था। ममता बनर्जी इस बात को न भूलें। सूरजपाल के बयानों की फहरिस्त लंबी। इससे पहले सूरजपाल ने कहा था कि हम हिंदुस्तान के सभी सिनेमाघरों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। क्षत्रिय समाज और देश का नौजवान एक एक स्क्रीन को आग लगाने की ताकत रखता है। पिछले दिनों अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा के सम्मेलन में सूरजपाल ने कहा, फिल्म भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति का अपमान है, इसे किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। पद्मावती में राजपूत राजाओं और वीरांगनाओं की कुर्बानियों का अपमान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा था कि पद्मावती पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो वह पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिल्म पद्मावती को लेकर क्या है विवाद? राजस्थान में राजपूत करणी सेना, बीजेपी लीडर्स और हिंदूवादी संगठनों ने इस फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। करणी सेना का मानना है कि इस फिल्म में पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच इंटीमेट सीन फिल्म आए जाने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, लिहाजा फिल्म को रिलीज से पहले पार्टी के राजपूत रिप्रेजेंटेटिव्स को दिखाया जाना चाहिए।